जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में उप जिलाधिकारी केंद्रीय भंडारण निगम में निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने गोदाम में रखे चावलों के सैंपल की जांच की। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि केंद्रीय भंडारण निगम में गोदाम की जाँच की जा रही है। DSO द्वारा एक केमिकल दिया गया था, जिसके द्वारा जाँच की जा रही है। जिन फैक्ट्रियों द्वारा यहाँ चावल भेजा जा रहा है, उसके सैंपल लिए गए और जिसमें 4 लॉट की जांच की गई, जो सही पाई गई है, और लगातार कार्रवाई चल रही है। जिस लॉट में अनियमितता पाई गई है, उस राइस मिल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कार्रवाई चली रही है और इसमें जो हम लोगों ने सैंपल लिए थे, उसमें पिछले कुछ समय में जो हमारे DSO साहब हैं, उन्होंने कुछ एक केमिकल दिया था, जिसमें कि जो भी हमारी फैक्ट्री द्वारा यहाँ पर राइस निकाला जा रहा है, तो उसके सैंपल लेने थे। और उसी के क्रम में आज हम यहाँ पर आए हुए थे। अभी तक तो हमारे द्वारा 4 लॉट के जाँच कर दी गई है, जो कि अभी तक सही पाए गए हैं, और अभी लगातार ये कार्रवाई चल रही है। जो अनियमितता पाई जाती है, क्योंकि जो हम लॉट के हिसाब से करें, लॉट का मतलब है कि जो संबंधित एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है या राइस मिल कहें की होगी, तो उनके खिलाफ फिर हम लोग यहाँ से कार्रवाई के लिए लिख देंगे।